गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी क्लास 12th में। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पार्टनरशिप में नए साझेदार का प्रवेश के अंतर्गत कंप्लीट क्वेश्चन का कंसेप्ट। क्यों? अभी तक हमने कैलकुलेशन सीखी थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को देखा था, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्लस कैसे पोस्ट आउट किया जाएगा, उसकी एंट्रीज वगैरह सब चीज़ें हमने सीखी थी। आज से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कंप्लीट क्वेश्चन, जिसके अंदर सब चीज़ें क्या क्या न्यूमेरिकल अकाउंट्स बनाए जाएंगे, उन्हें हम ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। आप ध्यान से समझिए, हो सकता है कोई परेशानी आए तो उसके लिए मैं आपको इसकी PDF भी सेंड करूँगा, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट होता है इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मीन्स दोबारा से, मूल्यांकन मीन्स वैल्यूएशन करना। किसी भी चीज़ को दोबारा से वैल्यूट करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनः मूल्यांकन कहा जाता है। अब ये क्यों जरूरत पड़ रही है मैं बता देता हूँ। जब भी कभी साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश होता है तो उस समय पर पुराने साझेदार उसके आने से पूर्व के जितनी भी संपत्ति और दायित्व होते हैं उन सबको दोबारा से रिवैल्यूएट कराते हैं, मार्केट में उनका मूल्यांकन दोबारा करवाते हैं। तो जब दोबारा मूल्यांकन करवाएंगे तो मूल्यांकन कराने पर उनके मूल्य या तो बढ़े होंगे या घटे होंगे, यानी बढ़ने और घटने में होगा फ़ायदा या नुकसान। उन फ़ायदे और नुकसान को ही वो इसमें दे करके अपना नए साझेदार के आने से पूर्व का लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टर्म बता रहा हूँ, उसे ध्यान रखिएगा। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटीज़। यदि एसेट्स का मूल्य घटे या लायबिलिटी का मूल्य बढ़े तो इसका अंदाज़ा लगाइए। एसेट्स यानी संपत्ति, अगर हमारी संपत्तियों का मूल्य घटता है तो हमें नुकसान होता है। क्या मतलब? मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी 1,00,000 रुपए की और थोड़े दिन बाद जब मैं बेचने गया तो उसकी कीमत रह गई 80,000 रुपये, यानी कि संपत्ति का मूल्य घट गया। इसका मतलब मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान? जी, नुकसान हुआ। यही चीज़ यहाँ पर याद रखिए, संपत्ति का मूल्य घटने से होता है नुकसान और दायित्व का मूल्य बढ़ने से होता है वो भी नुकसान ही होता है। जी हाँ, तो इन दोनों ही टर्म्स का मतलब होता है कि हमें लॉस हुआ और लॉस को हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट। इसलिए इसको हम डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे और डेबिट में पोस्ट करने का एक कंसेप्ट होता है, उसे लिखते हैं टू डिक्रीजेस इन एसेट्स और टू इंक्रीजेस इन लायबिलिटी। यह हमेशा फिक्स टर्म में ऐसे ही जाएगा। इसके बिसाइड अपोजिट डायरेक्शन दूसरे पर चलते हैं। क्या? फिर से समझे, एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स का मूल्य बढ़ना और लायबिलिटी का घटना, यानी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाए और दायित्व का मूल्य घट जाए, तो इसका मतलब हमें हो गया फायदा यानी कि प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हमेशा किया जाएगा क्रेडिट। इसलिए इसे इधर ले आएंगे और बोलेंगे बाय इंक्रीजेस इन एसेट्स और बाय डिक्रीजेस इन लायबिलिटी। बस इन चीजों को याद रखेंगे। रिवैल्यूएशन का इतना पार्ट कंप्लीट हो गया, अब इसका टोटल लगा दीजिए। टोटल का ध्यान रखिए, अगर बैलेंस डेबिट में बचता है, यानी कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है और डेबिट का कम आता है, तो घटाने के बाद बैलेंस इधर बचेगा, तो उसे बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना भी लाभ होगा वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है? जब ओल्ड में बढ़ रहा है तो ओल्ड रेशो में बढ़ेगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यदि बैलेंस इधर ना बच के इस साइड बच रहा होता तो मतलब डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट कम, इसका मतलब लॉस हो गया। तो ऐसे में बोलेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
ठीक। अब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में इसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारा रिवैल्यूशन अकाउंट का परफॉर्मा है, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे बनाएंगे। ठीक, अब आते हैं इसके बाद अगले परफॉर्मे पे, वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे बनेगा। इसके लिए कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब पार्टनरशिप फर्म है ये तो हम जानते हैं, तो पार्टनरशिप है तो कम से कम दो साझेदार तो होंगे ही होंगे, और जब नया प्रवेश कर रहा है तो इसका मतलब तीन हो गए। तो मैं मिनिमम की बात करता हूँ, कम से कम तीन पार्टनर ही वर्कआउट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं तीन पार्टनर्स के लिए अलग अलग कॉलम बना रहा हूँ। इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। पर्टिकुलर्स, ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर, सेम एज पर्टिकुलर्स ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर। अब पार्टनर्स कैपिटल, देखो एक बात मैं बताता हूँ, आप किताब से क्वेश्चन को पढ़ते रहो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको एक नया कन्फ्यूज़न आना शुरू हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर हमें परफॉर्मे के स्टेप्स ढंग से क्लियर हैं तो क्वेश्चन करने में बहुत कम समय लगेगा। तो परफॉर्मे पर ध्यान देंगे, तो परफॉर्मा बना रहा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल हमारे को ध्यान होगा फाइनल अकाउंट की लाइबिलिटी साइड में दिखाई जाती है, और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इसलिए इसे हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ सबसे पहले नंबर पर बोलेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्यों? जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हम कैपिटल को ही पहले शो करेंगे। अब आप याद रखिए, जब आप सवाल बना रहे होंगे तो सवाल में आपको एक तो पुराने साल की बैलेंस शीट गिवन होगी, ओल्ड बैलेंस शीट, ठीक है, और नीचे कुछ समायोजनाएँ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी, तो उनसे आपको क्वेश्चन बनाना है। जब ओल्ड बैलेंस शीट हमारे पास गिवन होती है तो उससे जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमें कुछ बात याद रखनी है, ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, तो याद रखो कैपिटल बैलेंस शीट से ली जाएगी, ठीक है। इस पर डैश लगा दो, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगी वो ओल्ड पार्टनर की ही होगी। दूसरे नंबर पर हमारा दूसरा स्टेप होगा रीवैल्यूएशन पर होने वाला लाभ या हानि। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट था तो उसे ले आएंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट करके, इधर प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो वो इधर आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। तो जरूरी नहीं है दोनों हो, एक ही चीज़ होगी हमेशा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना। जब हम फर्म में वर्क करते हैं तो या तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, एक ही चीज़ तो होती है, दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट होगा तो क्रॉस करके इधर आएगा, और लॉस होगा तो क्रॉस करके अपोजिट साइड जाएगा। ठीक, दो स्टेप। तीसरा स्टेप बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट, जो हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी में गिवन होगा उस रिजर्व को उठाएंगे, चाहे वो रिजर्व है या जनरल रिजर्व है, कुछ भी कह रखा है, उस रिजर्व को उठाएंगे और ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। मैंने अभी बताया था ओल्ड में बांट रहे हैं तो ओल्ड रेशो में ही बटेगा, ठीक है, तो इसे जनरल रिजर्व को बांट देंगे, लायबिलिटी का ही होगा। इसके अलावा एक शब्द आता है बाय पी एंड एल अकाउंट, अगर वो पी एंड एल लायबिलिटी में दिया है तो उसे यहाँ नोट करेंगे, और कभी कभी वो पी एंड एल एसेट्स में दिया होता है तो उसे इस साइड नोट करेंगे, टू पी एंड एल अकाउंट एसेट्स, बटेगा केवल ओल्ड पार्टनर में ही। याद रखना लायबिलिटी वाला कहलाता है प्रॉफिट, क्योंकि फायदा है, और एसेट्स वाला कहलाता है लॉस। ये बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लायबिलिटी का मतलब समझते हुए वो उसे हानि समझ लेते हैं, लेकिन लायबिलिटी में जो जाता है वो हमारे कैपिटल में इंक्लूड होने के लिए जाता है, इसलिए वो प्रॉफिट कहलाता है। ये चीज़ें पोस्ट हो गई,
रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले बैलेंस करके कैपिटल, दूसरे नंबर पर रिवैल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, तीसरे नंबर पर रिजर्व, चौथे पे P&L, ठीक। पांचवा नंबर बाई कैश अकाउंट, सॉरी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट करके नया साझेदार जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि नया साझेदार कैश या बैंक क्यों दिखाएगा। अगर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर आपको कैश का बैलेंस दिया है तो कैश अकाउंट लिखेंगे, और अगर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर बैंक का बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, और दोनों दिए हैं तो फिर कैश से बना दीजिए, ठीक है। तो कैश अकाउंट करके या बैंक अकाउंट करके नए साझेदार की पूंजी दिखाएंगे, और साथ ही साथ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके पुराने साझेदारों में ख्याति की राशि को दिखाया जाएगा, वो भी सेक्रीफाइस रेशो में। ठीक है, मैं एक बात बता दूं, मैं अभी यहाँ जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट केवल नकद ख्याति से संबंधित है, ठीक है। जब आपकी उधार वाली ख्याति का वर्कआउट आएगा, मूल्यांकन वाली ख्याति का वर्कआउट आएगा, तो मैं उसके लिए छोटे छोटे पॉइंट अलग अलग बताता रहूँगा, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है प्रीमियम फॉर गुडविल जब आप वर्कआउट करेगी यहाँ पर, तो इसे सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे। यहाँ पर एक ट्रिक और बताता हूँ छोटी सी, याद रखिए, जब भी कभी कोई पुरानी चीज़ पुराने साझेदारों में बटेगी तो ओल्ड रेशो में बटती है, जब भी कभी कोई चीज़ तीनों साझेदारों में यानी कि पुराने और नए सब में बढ़ रही है तो न्यू रेशो में बटेगी। लेकिन यदि कोई चीज़ नया साझेदार लाता है और पुरानों को देता है तो ऐसे में सेक्रीफाइस रेशो यानी त्याग अनुपात का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सिंपल सी लॉजिकल लाइन थी, पुरानी चीज़ पुराने साझेदारों में बटेगी ओल्ड रेशो, नए को भी मिलेगी न्यू रेशो, और केवल नया साझेदार जब ला के पुरानों को दे देगा, जब नया लाएगा और पुरानों को देगा तो सेक्रीफाइस रेशो यानी त्याग अनुपात में लागू होगी। बस इतना काम करने के लिए आपको इसमें काम करना था, गुडविल तक आप यहाँ लिया है। कभी कभी ऐसा होता है नया साझेदार जो ख्याति की रकम लाया है उसे पुराने साझेदार फटाफट बिजनेस में से निकाल लेते हैं, जब वो निकालते हैं तो उसे यहाँ पर टू कैश अकाउंट करके पुराने साझेदारों में दिखा दिया जाता है, ठीक। ये काम यहाँ पर हो गया, आपकी समझ में आ गया, बस इतना काम आपको करना है। फटाफट एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ पूरी लाइनों को। सबसे पहले नंबर पर बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैपिटल आएगी, दूसरे नंबर पर रिवैल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, तीसरे नंबर पर रिजर्व, चौथे पे P&L अगर लाइबिलिटी में है तो इधर, और एसेट्स में है तो अपोजिट साइड में जाएगा। उसके बाद कैश करके नए साझेदार द्वारा दी गई पूंजी आती है, और प्रीमियम फॉर गुडविल करके ख्याति की राशि को ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में बांटते हैं। अगर किसी कंडीशन में वो कहता है ख्याति की राशि नए पुराने साझेदार फॉर्म से निकाल लेंगे तो उसे कैश करके कैंसिल करके दिखाया जाता है। एक चीज और जो लास्ट है, टू गुडविल लिख करके है इसे ओल्ड पार्टनर में बाकी दिखाएंगे राइट ऑफ। ये याद रखना एसेट्स वाली गुडविल है, क्या मतलब, यदि क्वेश्चन की बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल गिवन है तो वो गुडविल यहां पर इसी तरीके से कैंसिल करके दिखाई जाएगी हमेशा ऐसे ही, ठीक। इतना करने के बाद ये क्लोज हो गया, अब इसका टोटल लगा देंगे। इसका टोटल लगाने के भी वही तरीका है, अब तीन जगह लाइनें हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझ लीजिए तीन अकाउंट का काम एक साथ हो गया। सी का टोटल लगाइए और सी का बैलेंस इस साइड बचेगा, ठीक। ओल्ड पार्टनर बीच वाले का टोटल लगाओ, इधर भी दिखाओ, उसका भी बैलेंस इसी साइड में बचेगा। ओल्ड पार्टनर पहले वाले का टोटल लगाइए, उसका भी बैलेंस इसी साइड बचेगा, तो तीनों का बैलेंस एक ही साइड आएगा। उसे नाम देंगे टू बैलेंस सी डी, उसे बैलेंस सी डी यानी कैरी डाउन करके दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये अकाउंट भी पूरा हो गया। इसके तुरंत बाद हमारी मेहनत अभी है बाकी, अगला अकाउंट फिर शुरू किया जाएगा, इसका नाम है
कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, जब हम बैंक और कैश अकाउंट की बात करते हैं तो उसे भी ध्यान से समझ लीजिए, कठिन नहीं है, बहुत आसान है और इजीली समझा जा सकता है। यही बात मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल के समय पर बताई थी, वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे इसमें स्टार्टिंग करते समय ओपनिंग की कैपिटल दिखाई थी, ऐसी इसकी स्टार्टिंग करते समय ओपनिंग का कैश बैलेंस दिखाएंगे या बैंक का बैलेंस। कहाँ से लाएंगे? यस, ओल्ड बैलेंस शीट से। तो ओल्ड बैलेंस शीट से सबसे पहले नंबर पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कीजिए और उसमें से कैश का बैलेंस उतार दीजिए ओल्ड बैलेंस शीट से। ठीक, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके उसके द्वारा लगाई गई न्यू कैपिटल, जो मैंने अभी यहाँ पर भी पोस्ट कराई है आपसे, ये कैपिटल नीचे भी पोस्ट होगी क्योंकि हमें अपना कैश भी तो देखना है ना कि हमारे पास कैश कितना हो रहा है, तो हम उसे यहाँ लेके आएंगे। अगला स्टेप टू प्रीमियम फॉर गुडविल करके, अगर वो कैश गुडविल ला रहा है तो यहाँ शो करी जाएगी। नकद में ख्याति की रकम अगर वो ला रहा है तो, अगर नहीं ला रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल करके कैश गुडविल की वैल्यू भी आप यहाँ मेंशन करेंगे। और इतना ही नहीं, इसके बाद अब इसका टोटल लगा दीजिए। यहाँ मैं सब आपको मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट करा रहा हूँ, जैसे विड्रॉल वाली जो कंडीशन है वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, अगर होगी तो उसकी भी क्रॉस पोस्टिंग आप करेंगे, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। आपने लिया, इसका टोटल लगाना है, बल्कि चलिए मैं आपको लिख कर भी देता हूँ, बाई ओल्ड पार्टनर करके विड्रॉन गुडविल यहाँ पर शो कर दी जाएगी। जितनी भी ख्याति की राशि वो निकाल रहे हैं वो मेंशन करेंगे, लास्ट में इनका टोटल लगा के और बैलेंस इस साइड में बचेगा उस बैलेंस को देंगे बाई बैलेंस सी डी और कैरी डाउन करके इसका बैलेंस निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग अब जानेंगे बैलेंस शीट की तरफ को। तो अगला और आखिरी स्टेप है बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन के हम एंड पर आ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को सीख रहे हैं बैलेंस शीट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैलेंस शीट, उसी को बताना ज़रूरी भी होता है। लाइबिलिटीज एसेट्स, रुपीज क्रेडिट साइड के लिए और ये डेबिट के लिए। ये क्रेडिट और डेबिट लिखना ज़रूरी नहीं है, बट मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोगों को ध्यान दिला दूं कि बैलेंस शीट में कहां पर क्रेडिट होता है कहां पर डेबिट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। जिस प्रकार क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट दी हो हम वहीं से उसकी स्टार्टिंग करते हैं। जैसे ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले उन्होंने कैपिटल लिखी होगी, तो आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, उसमें कैपिटल होगी केवल ओल्ड पार्टनर्स की जिसे हमने यहाँ पर पहुँचा दिया था, बैलेंस बीडी करके ये पहुँचाई थी और इसकी मदद से हमने नए बैलेंस ये वाले निकाले थे। अब इन बैलेंसेस को यहाँ ले आएंगे ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर, इन तीनों बैलेंसेस को यहाँ पर शो करके बाहर दिखा देंगे इनका टोटल। इसके बाद यहां पर और जो भी चीजें हैं उन्हें लाना है, जैसे क्रेडिटर होंगे। अब इसे कैसे दिखाना है, देखो कॉस्ट उसमें प्लस या माइनस होगी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कौन सी? जो हमने अभी ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट में करी है। इसके अलावा होगा, हो सकता है बैंक लोन, उसके साथ भी वही नियम है कॉस्ट प्लस माइनस एडजस्टमेंट, वो भी भरा जाएगा। इसी की तरह से अपोजिट डायरेक्शन है जो एसेट्स में, तो सपोज करो उसने कहा होगा लैंड एंड बिल्डिंग,
वही तरीका, कॉस्ट में प्लस या माइनस होगी, एडजस्टमेंट और बैलेंस बाहर आ जाएगा। प्लांट कॉस्ट प्लस माइनस एडजस्टमेंट बाहर आ जाएगा। डेटर्स उसमें भी कॉस्ट प्लस माइनस एडजस्टमेंट बैलेंस बाहर आ जाएगा। स्टॉक कॉस्ट प्लस माइनस एडजस्टमेंट वो भी बैलेंस बाहर आएगा। सभी चीज़ों के साथ यही है, एडजस्टमेंट यानी कि जो समायोजनाएँ हमने अंतिम खातों में सीखी हैं वो समायोजनाएँ भी यहाँ पर होंगी। इसके अलावा हो सकता है वो आपको दे दे बी आर, वही काम करना है, कॉस्ट प्लस माइनस एडजस्टमेंट और बैलेंस बाहर। लास्टली यहाँ पर कैश या बैंक या हो सकता है दोनों भी हों, तो उसके लिए ध्यान रखना कि जो ओल्ड बैलेंस शीट में कैश दिया था वो हमने यहाँ पहुँचाया था, है ना, इसकी मदद से हमने ये निकाला नया वाला कैश। अब इस नए वाले बैलेंस को इधर पहुँचा देंगे न्यू बैलेंस करके, लिख देता हूँ मैं, तो कैश या बैंक करके ये न्यू वाला बैलेंस पहुँचाएंगे। इतना करने के बाद जब आप इसका फाइनली टोटल लगाना शुरू करेंगे, तो होप सो दोनों साइड का टोटल एक बराबर आ जाएगा। अगर ये टोटल आपका बराबर आता है तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन आपका सही हुआ है, नहीं आता है तो गलत हुआ है। यहाँ पर ये मैं वीडियो और ये वर्किंग कंप्लीट करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। इसके लिए आगे मैं PDF भी आपकी डाल दूंगा और अगला वीडियो जो मैं दूंगा उसमें आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।